कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ, तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर? बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा, और एक महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाए पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकालें कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए, और उसका रीजन मैं मानता हूं कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल लें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई।